Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. मैं मरियम के साथ पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हुए सोसाइटी में वॉक पर निकली। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक जगह पर आकर रुक गई और हैरत से इधर उधर देखने लगी। अरे मरियम, ये क्या कर दिया इन लोगों ने? यहाँ तो हमारा पार्क था ना, जहाँ हम रोज बैडमिंटन खेला करते थे। मैडम, आप 3 साल बाद आ रही हैं, यहाँ तो 3 मिनटों में पूरा नक्शा बदल जाता है। और आप क्या चाहती हैं? सोसाइटी वाले यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर बनाने से पहले आपसे NOC लेते। और हाँ, बाय द वे, तुम्हारा वो फेवरेट चाट पापड़ी वाला ठेला भी वहाँ से जा चुका है और अब वहाँ एक नया कैफे खुल चुका है। ये सुनकर मैं बहुत उदास हुई। फिर सोचा, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ यकीनन कुछ नहीं बदला होगा। मैं मरियम को लेकर हमारे एक पुराने दोस्त के घर पहुँची। इत्तेफाक से सुबैर हमें बिल्डिंग के नीचे ही मिल गया। वो अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र हम पर पड़ी। मुझे देखकर उसने बेसाख्ता कहा, अरे जवेरिया, तुम कब आई, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुबैर, तुम बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ की सवारी है, CSS के पेपर्स क्लियर हुए या नहीं हुए मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर? इस सवाल पर जुबैर की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ ख़ास नहीं, आजकल दुकान पर होता हूँ, कोई संभालने वाला नहीं है ना, तो बस वहीं जा रहा हूँ। तुम दुकान पर क्यों जा रहे हो जुबैर, अंकल कहाँ हैं? जुबैर ने इस सवाल का जवाब ज़रा ठहर कर दिया और कहा, अब्बू का पिछले साल इंतकाल हो गया जवेरिया। ये सुनकर मेरा जहन शल सा हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अल्फाज जमा किए और कहा, I am so sorry जुबैर, मुझे पता नहीं था, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था जवेरिया, You were in a meeting, तुमने कहा था कि तुम कॉल करोगी, लेकिन शायद तुम्हें अब तक फुर्सत नहीं मिली। लगता है जब से तुम्हारा नाइकॉप बना है तब से हमारी दोस्ती एक्सपायर हो गई है। ये ताना सुनकर मेरा दिल भर आया। मरियम ने बात संभालने के लिए कहा, ऐसा तो मत बोलो जुबैर, वो आज भी हम सबको दोस्त मानती है, देखो इसीलिए तो मिलने आई है। अरे तुम्हें कहाँ शिकायत कर रहा हूँ, अच्छा छोड़ो ये सब, अंदर आओ, अम्मी अक्सर तुम्हें याद करती रहती हैं। मैंने माजरत करते हुए कहा, मैं अभी कुछ दिन हूँ यहाँ, किसी और दिन चक्कर लगाऊंगी, आज हिम्मत नहीं हो रही है। अंकल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ जुबैर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आंटी को मेरा सलाम देना। जुबैर ने बहुत इसरार किया मगर मैं नहीं रुकी। उससे मिलने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मरियम ने मशवरा दिया, जवेरिया छोड़ो ना इन सब बातों को, अपने दिल पर मत लो, गम और खुशी तो फसल की तरह होती हैं, आती हैं और कट जाती हैं, चलो हम बुशरा के यहाँ चलते हैं। मैंने मरियम का कहा माना और अपना मूड ठीक किया। बुशरा के घर पहुँच कर हमने बेल बजाई मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने बुशरा को फ़ोन मिलाया। हेलो जवेरिया। हेलो मिस इंजीनियर, कहाँ हैं आप, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। ओ जवेरिया, मैं घर पर नहीं हूँ, तुम कब तक हो यहाँ? मैं 10-12 दिन हूँ अभी। हाँ तो कल मिलते हैं ना, ठीक है? यार कल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं शायद अपनी नानी की तरफ। अच्छा जवेरिया, मैं तुम्हें ना बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है, बाय। हेलो, हेलो बुशरा। मैंने हैरत से मरियम की तरफ देखा और कहा, मरियम बुशरा ने फ़ोन काट दिया यार। अरे छोड़ो ना, वो बाहर है, बिजी होगी कहीं। क्या मतलब यार, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ खास उससे मिलने के लिए, वो कम से कम सही से मुझसे बात तो कर सकती थी ना, लगता है किसी के पास टाइम ही नहीं है। मेरे यूं बरहम होने पर मरियम ने मुझे याद दिलाया, जवेरिया टाइम तो तुम्हारे पास भी नहीं था, इन 3 सालों में हमारी भी तो बर्थडेज के अलावा और कब बात हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती मरियम की अम्मी का फ़ोन आ गया उसे घर बुलाने के लिए। मैंने मरियम से कहा कि वो आगे जाए, मैं खुद आ जाऊंगी, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती थी। मरियम ने साथ रुकने की ज़िद नहीं की और चली गई।
जिस गली से मैं रोज गुजरा करती थी अचानक वो अनजान सी लगने लगी। हर अपना चेहरा मानो जैसे पराया हो गया। जो दोस्त मरहम हुआ करते थे आज वही जख्म दे गए। क्या मैं बदल गई या मेरा शहर बदल गया? क्या मैं अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते इतना आगे निकल गई कि मेरे अपने पीछे छूट गए? ऐसी अचीवमेंट्स का क्या फ़ायदा जिन्हें सेलिब्रेट करने के लिए अपने ही साथ ना हो? वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। अगर मैं कोशिश करूं, तो शायद ये रवैये भी बदल जाएं। गलती मेरी भी थी, मैं रोज़ ना सही मगर हफ्ते दो हफ्ते में एक बार तो दोस्तों को कॉल कर ही सकती थी ना। सुबह का भोला अगर शाम को लौट आए तो उसे शायद जवेरिया कहते हैं। बातचीत से दिल साफ हो जाते हैं। इस बार हम छुपन छुपाई नहीं खेलेंगे, इस बार हम बात करेंगे। और सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि आज खाने में क्या खाया या आज मौसम कैसा है, हम मसले सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। मुझे आज समझ आया कि दरख्त की सबसे ऊंची शाख हवा के एक झोंके से क्यों टूट जाती है, क्योंकि वो अपनी जड़ों से दूर होती है। मैं अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपनी सकाफत और अपने शहर से मजबूती से जुड़े रहना चाहती हूँ, ताकि आने वाले हर तूफान का मुकाबला डटकर उनके साथ मिलकर कर सकूँ। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।